इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो दोनों को हम यहाँ पे आपको बताते हैं। स्किप ब्लैंक क्या है पहले जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है, मान लीजिए ना आपने सेल्स हटाई है, मान लीजिए आप लोग आप किसी को रिफंड कर रहे हैं, ठीक है, या कन्वेंस दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं, कुछ फिगर्स यहाँ पर है, ये फिगर सिस्टम से जनरेट हो गया, किसी से आया है, लेकिन आप पेमेंट करने से पहले एक बार इसको रिचेक करना चाहते हैं। तो आपने अपने कलीग को या आपने जो भी आपके नीचे काम करते हैं उनको आपने दिया कि भाई आप तुम एक बार मुझे चेक करके बता दो। उसे चेक करते समय कुछ पाया कि गलत है, जैसे 33 के जगह पे 63 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तो इसमें जो गलत निकाला उसने यहां पे उसने आपके ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं किया, उसने बोला सर आप चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आपने देखा कि हाँ जो चेंजिंग है वो करेक्ट है, अब आपको इसको अपडेट करना है, तो जिसके सामने ब्लैंक है वो करेक्ट डेटा है उसको जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, जिसके सामने जो वैल्यू डली गई है उस वैल्यू को अपडेट करना है। तो आप इसको एक एक करके जो पेश करेंगे तो काफी, अगर हजारों का डेटा है लाखों का डेटा है तो पूरा दिन लग सकता है, कई दिन भी लग सकते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कॉपी करें और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आप क्या करें स्किप ब्लैंक। इससे क्या होगा जो ब्लैंक डेटा है वो छेड़छाड़ नहीं होगा, जिसके सामने वैल्यू है वही पेस्ट होगा। आप देखिए 36 63 हो जाएगा, यहां पर 52 25 हो जाएगा। ओके तो गार्गी जी समझ में आ गया आपको या दूसरा तरीके से बताऊं? गार्गी जी समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर समझ आ गया है। अब दूसरा अब आता है आपका गो टू स्टेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा इसी डेटा को ले लेते हैं, राइट, अगर इसमें आपका कुछ डेटा ब्लैंक है आपको सारे ब्लैंक को डिलीट करना है, राइट, तो मैं तो पहला प्रेफरेंस दूंगा कि आप इसको डिलीट करें ही ना, आप इसको शॉर्ट कर दें, इसको सिलेक्ट करें और इसको यहां से शॉर्ट ए टू जे कर, स्मॉलर टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट स्मॉल, तो क्या होगा कि ब्लैंक नीचे आ जाएगा। पहले सजेशन मेरा ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको डिलीट करना पड़े, तो ध्यान रखिए कि जब आप इसको डिलीट करते हैं अगर सिंगल कॉलम है तो आपने कंट्रोल जी किया स्पेशल में गए और यहां पे आपने ब्लैंक किया तो आपका ब्लैंक सिलेक्ट हो गया, लेकिन यहां भी इधर भी सिलेक्ट हो गया, तो इसके लिए आप एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और ब्लैंक किए तो इसी के अंदर का ब्लैंक सिलेक्ट हुआ, और ये नीचे का सिलेक्शन नहीं था, अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल माइनस करें, आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। आप पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है तो इंटायर रो को सिलेक्ट करें एंड ओके कर दे, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। लेकिन एक कॉज है इसमें, अगर इसके सामने का डेटा हुआ वो भी डिलीट हो जाएगा सर, समझे, तो डिलीट अगर आप उस केस में क्या करेंगे सामने है तो उस केस में आप अगर डिलीट करते हैं सिलेक्ट करके तो कंट्रोल माइनस आपने किया तो यहां पे आता है, अब यहां पे लेफ्ट मत कीजिएगा, लेफ्ट कीजिए क्या हुआ कि ये जो चीज आ रही है ना वो इसके जगह पे आ जाएगा, इसको अप कर सकते हैं आप, अप करेंगे तो क्या हुआ कि नीचे की जो वैल्यू है ऊपर उठ के जाएगी एंड ओके। ठीक है गार्गी जी समझ में आ गया आपको गो टू स्टेशन में ब्लैंक डिलीट करने का सिस्टम? हाँ जी सर ठीक है, जैसे आपने सॉर्टिंग का बताया ना, सॉर्ट करना भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बीच में पूरे हमारे पास कॉलम ही रिपोर्ट्स में, किसी रिपोर्ट में कॉलम्स बीच में हमारे कुछ ब्लैंक्स होते हैं, उनको फिर एक एक करके हमको हटाना पड़ता है, तब थोड़ा प्रॉब्लम। आप कॉलम में भी सॉर्ट कर सकते हैं। हेलो
हेलो हाँ बोलिए ससुन। सर, मान लीजिए जो डेटा है उसमें कुछ ब्लैंक रोज हैं बीच बीच में, ये तो है ही, प्लस साथ में कहीं कहीं किसी किसी कॉलम्स में ब्लैंक सेल्स भी हैं। मैं चाहता ये हूं कि एक बार में जितनी भी ब्लैंक रोज हैं केवल वही डिलीट हो, और जो ब्लैंक सेल्स हैं बीच में कहीं किसी कॉलम्स में वो उनसे छेड़छाड़ ना हो। मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। आपका नाम क्या हुआ सर? सुधीर कुमार सर। सुधीर जी, देखिए हाँ जी, आवाज से पता नहीं चलता ना। ओके सर। जैसे कि आपने बोला कि आपके सामने इस तरह से ब्लैंक, रोज भी हैं, ओके, ब्लैंक और दूसरा आप बोल रहे हैं कि मेरे पास सेल्स भी हैं, ब्लैंक ओके, सेल्स है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मैं भी वही सजेशन दूंगा कि आपको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिलेक्ट करें और नेम के अकॉर्डिंग या किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर, कस्टम शॉर्ट में जाएं और शॉर्ट कर। छोटे डेटा पे डिलीट तो अच्छा तरह से वर्क करता है, लेकिन बड़े डेटा पे डिलीट थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लेता है और काफी दिक्कत हो सकती है। तो शॉर्ट कट भी क्या होगा कि ब्लैंक डिलीट नहीं होगा, ब्लैंक नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डिलीट करना पड़ रहा है, तो आप डेट जो सिलेक्शन करेंगे सिलेक्शन ना करें, आप एक ऐसा कॉलम ले लें जिसमें ब्लैंक सेल नहीं होगा, ब्लैंक वही होगा जिसको डिलीट करना है। एक ऐसे कॉलम का चुनाव करें, फिर उसको सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल जी सिलेक्शन ब्लैंक, तो ये ब्लैंक सिलेक्ट हो गया। देन कंट्रोल माइनस करके डिलीट करें एंटायर रो, तो आपका ब्लैंक सेल वाला रो डिलीट नहीं हुआ। ओके, अगर मान लीजिए ऐसा कॉलम मिले ही ना, क्योंकि दरअसल कि हर कॉलम में नाम लिखा है, ऐसा कॉलम्स ना हो। एक कॉलम बना लीजिए, डमी कॉलम बना लीजिए, बाद में डिलीट कर दीजिएगा क्या। ओके, कॉलम बना लीजिए, जब तो डिलीट वापस वापस इसको अंडू करके कीजिएगा। वापस इसको अंडू करके डमी कॉलम बनाइएगा सर, 1 मिनट। जैसे कि आपको ऐसा लगा नहीं है, नहीं है, आप क्या करें यहाँ पे डमी कॉलम बना लीजिए, नहीं, अगर ओके, ओके ठीक है ना। बहुत मेहनत लगेगा, समझे। अब तो कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन तो मैन्युअली अगर हम बड़ा डेटा, हमारे दरअसल बड़ा डेटा होता है सारा का सारा। एक कॉलम होता है, ऐसा नहीं है कि कॉलम नहीं होगा, कॉलम एक ऐसा होगा, आईडी वगैरह कॉलम होगा सर, एक कॉलम ऐसा होगा, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं एक बार चेक करूंगा वर्कशीट आप। दूसरा हम गार्गी जी पे आते हैं कि गार्गी जी ने बताया कि उनके पास ब्लैंक कॉलम भी है, तो ब्लैंक कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हैं, समझे। आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ शॉर्ट पे आए, और यहाँ ऑप्शन में होता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, लेकिन ध्यान रखिए कि जो आपका हेडिंग है ना, मतलब कि इसको मत सेलेक्ट कीजिएगा, जो नेम है, वरना ये नेम ही शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको रो वन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दें, ठीक है और किसी को भी डाउट है? अच्छा, कुछ लोग चले गए क्या? मे बी हो सकता है सर, ऑफिस में बैठ के जो क्लास ले रहे होंगे वो निकल रहे होंगे ऑफिस चले। तो अब इसमें हो गई, अब बात करते हैं रिसर्च की। अब आप जो है 24 घंटे आ टाइम है आपके पास, हालांकि टाइम कम बचेगा क्योंकि ऑफिस का काम भी रहता है, फिर भी एक रिसर्च आपको करना है। रिसर्च आपका ये है कि यहाँ पे क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यह हुआ है ना, जो क्लिक करने पे कुछ इस तरह का खुलता है। मुझे इसका एक यूज कल मुझे बताइएगा आप लोग, कि आप लोग इसका क्या यूज करेंगे, क्या बेनिफिट होगा, ऐसा यूज जिससे आपका काम आसान हो।
ओके अरविंद जी, गार्गी जी, बुद्धू जी, यस सर, धीर जी, समझ में आया? जी सर, ओके सर, ठीक सर, ओके ओके। और दूसरी चीज कि अगर जो आधे घंटे का सेशन हमने रखा हुआ है क्वेश्चंस के लिए, अब वो आधे घंटे से हो सकता है कि 45 मिनट हो जाए तो हमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग कम से कम 2-3 क्वेश्चंस पूछिएगा जरूर। ओके okay. जैसे आपने अभी पूछा, दो लोगों ने पूछा क्वेश्चंस, तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्या रहा सर, अभी एक महीना जो है आप लोग अपने जो स्कूल टाइम में आए थे ना उसे पीछे आ जाइए। मेरे तो क्वेश्चंस हैं, मैं एक्स्ट्रा अभी पूछ लूं क्या? हाँ पूछ लीजिए सर। ओके okay. एक मुझे सर अगर बताइए तो जो चूज फॉर्मूला होता है उसमें हमें वन बाय वन जो जो भी लिस्ट देनी है वो वन बाय वन कॉमा लगा के देनी है, अगर वो रेंज भी ले सर क्या? चूज में रेंज नहीं लेता सर। ओके okay. ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कई बार क्योंकि वन बाय वन फिर वो कॉमा लगा कर या तो उसका मैनिपुलेट कर आपने लुकअप दे दीजिए ना, डी लुकअप, वी लुकअप। ओके तो चूज कैसे काम करेगा देन वहां? तब जैसे मान लीजिए ये नेम है हमारा, राइट? ठीक है सर, बोल रहे हैं कि मुझे इस पे क्या करना है, चूज कराना, मतलब कुल मिलाकर चूज होना है, रैंडम वन आए तो पूजा, टू आए तो नीरज, नहीं कोई भी, इससे मतलब सर रैंडमली भी उठा लिया, रैंडम से फॉर्मूला ऐड कर दीजिए तब भी कोई इशू नहीं है। मैं तो एक बता रहा हूं ना, जैसे कि वन जो चूज तो सीक्वेंस ही चलता है ना सर। हां नहीं सर, उसमें तो रैंडम, अगर हम रैंडम नंबर दे देंगे इन्हीं 6 का या 5 का जो भी है तो वो तब रैंडमली उठा लेगा। हां तो 2 3 यहां पे 3 4 एंड 5 कर दिया। ओके नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम नंबर देते हैं और यहाँ पे वन कर दिया और यहाँ पे आप चूज के जगह पे लुकअप लगा लीजिए कि लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 2, 0। ओके तो मैच इंडेक्स हो गया मतलब एक तरह से ना। ओके ठीक है सर, ये तो मेरा हो गया। चूज का यूज होता है जैसे 2-3 ऑप्शंस है उसके लिए, उसके लिए। ओके ओके ठीक सर, ये तो मिलते हैं कल सेम टाइम, आप लोग अपना रिसोर्स लेके जरूर आइएगा। ओके सर, थैंक यू। और आज की रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों को भेज देता हूँ थोड़ी देर में। ओके थैंक यू सर, थैंक यू बाय बाय सर। ओके सर, और सुधीर जी नेक्स्ट टाइम जो देखिएगा, ठीक है? साउंड क्लियर नहीं सर, क्या क्या बताया था? मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा सर, साउंड का इशू है सर। सर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, सबको यूज, सबको ज्वाइन करें। ओके ठीक है सर, ओके सर।